Welcome everybody. Today we will start our new unit, unit number 3, named as electromagnetic radiation. And before we starting this unit, some concepts and some equations that we are studied there in the unit of all the syllabus of electrostatics and also in magnetostatics. So we have to clear these concepts before starting the unit number 3, electromagnetic radiations. Okay, so in between this topic, the first topic, which is scalar and vector potentials. So in between जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी उन concepts की जो हम study करके आते हैं electrostatics में और जो या फिर हम study करके आते हैं magnetostatics में, तो according to situations हम उनको study करते जाएंगे और उस concept को enhance अपने knowledge के साथ साथ करते चले जाएंगे. जहाँ भी आवश्यकता होगी उस तरह से हम थोड़ा सा अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, सो द टुडेज टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल. ओके, व्हेन वी स्टडीड अबाउट द स्केलर पोटेंशियल. ओके, सो अगर आप इलेक्ट्रोस्टेट को जब स्टडी करके आते हैं तो और वहाँ आप सबसे पहले फेमिलर होते हैं द फेमस कुलम्स लॉ. आप कुलम्स लॉ वहाँ स्टडी करते हैं और आपको ये बताते हैं कुलम्स लॉ इज सिंपली स्टेटेड दैट द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड और रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स. सो दिस इज द सिंपल वे टू डिड्यूस द कूलम्स लॉ. ओके, एंड कूलम्स लॉ द रिजल्ट ऑफ कूलम्स लॉ और द बेनिफिट ऑफ कूलम्स लॉ इज दैट कि ये जो लॉ है ये हमें छोड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई is equals to F over Q. F is a force or electrostatic force. Okay, and the formula which arises due to the point charge, the electric field due to the point charge is 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square. This type of formula we read for the electric field. Okay, and when we talking about the electric field, because you all know that electric field is a vector quantity. Okay, and vector quantity जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमें उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा और सिंपली हमें उसकी डायरेक्शंस के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा. ये दो ही वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो उस क्वांटिटी के लिए मेजरेबल हैं, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट है वो आप इन दो दो स्केल्स के ऊपर कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है, अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ चार्जेज हैं, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट चार्जेज है, यहाँ एक पॉइंट चार्जेज है, यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट चार्जेज है, दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू, दिस क्यू थ्री एंड दिस क्यू फोर एंड अप टू दिस क्यू आई. ओके, और यहाँ आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, दीज आर पॉइंट चार्जेस. ओके, और यहाँ यहाँ आपके पास एक कोई टेस्ट चार्ज
चार्ज है, टेस्ट चार्ज एंड 37 टेस्ट चार्जेस क्यों। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि और डिफाइन करता है कि अगर आपको इन पॉइंट चार्जेस की वजह से यहाँ इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप ऐसा कीजिए कि आप पहले Q1 एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ एक छोटी सी बात ये भी एसोसिएट रहती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज Q1 किसी पॉइंट चार्ज Q1 के कारण इस टेस्ट चार्ज क्यों पे कैलकुलेट करना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होगा इन रेस्ट ऑफ द चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे क्वाइट इंडिपेंडेंट रहता है। यानी Q1 के कारण जो टेस्ट चार्ज क्यों पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा से E1 और Q2 के कारण जो क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। तो E1 और E2 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, यानी वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इस टेस्ट चार्ज पे कैलकुलेट करें तो ऐसा कभी नहीं होगा कि E1 इज इफेक्टेड बाय E2 और E2 इज इफेक्टेड बाय E3 एंड अप टू इन द सेम वे इन द एंड EI इज इफेक्टेड बाय एनी अदर चार्जेस। सो दिस इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जब हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम इन पॉइंट चार्जेस की वजह से यहाँ किसी टेस्ट चार्ज क्यों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें सजेस्ट करता है कि ई द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दीज ऑल पॉइंट चार्जेस ऑन द दिस टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू द E1 द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट टेस्ट चार्ज Q प्लस E2 द सेकेंड ड्यू टू द सेकेंड पॉइंट चार्ज प्लस E3 द सेकेंड एंड आफ्टर अप टू EI द लास्ट पॉइंट चार्ज। ओके, और वी कैन सिंपली राइट इट एज समेशन I इक्वल टू 1 टू N EI, दिस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अकॉर्डिंग्स टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, और यही जो थ्योरी है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की थ्योरी है, अगर इसी को हम पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक्चुअली हुआ क्या कि जब आप कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं और वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट है वो आपको इंट्रोड्यूस कराता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम जब स्टडी करते हैं तो इसी यूनिट में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और जो मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में, अगर सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना हो, वही आपके पास कंडीशन है कि आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं इस तरह से यहाँ, और यहाँ कहीं आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, से दिस इज अ टेस्ट चार्ज क्यू कैपिटल क्यू, दिस अ टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू, और ये आपके पास बहुत सारे यहाँ पॉइंट चार्जेस है, से दिस इज द पॉइंट चार्ज Q1, दिस द पॉइंट चार्ज Q2, Q3 एंड अप्रोपो दिस Q1। तो आप क्या करें, सिंपली सुपर इन अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप Q1 के कारण इस टेस्ट चार्ज क्यू पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें यहाँ, तो आपके पास पोटेंशियल आया V1, फिर आपने Q2 के कारण यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट किया, से दैट पोटेंशियल इज V2, फिर आपने Q3 के कारण यहाँ टेस्ट चार्ज क्यू पर पोटेंशियल फाइंड आउट किया एंड दैट पोटेंशियल विल बी से V3। और इसी तरह की कैलकुलेशन अगर आप आगे तक करते चले जाएं तो आपके पास क्या होगा, एक इन द एंड आपके पास जो लास्ट पोटेंशियल आएगा वो VI आएगा। तो जो टोटल पोटेंशियल की बात अगर आप करेंगे तो आप द सुपर पोजिशन सजेस्ट अस दैट द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू और एट टेस्ट चार्ज क्यू डू दीज ऑल पॉइंट चार्जेस विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू VI एंड
is the same formulation as we did for the electric field calculation. Okay, लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है और जिसके कारण हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज के ऊपर कंसंट्रेट करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ क्या होगा बेनिफिट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मुलेशन के बाद, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी को डेवलप किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो इसमें हमें इसके मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना था और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए. या हमें हम इसकी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम इसकी डायरेक्शन के प्रति भी अवेयर होने चाहिए टू द प्रिंसिपल. लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी किसी स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है केवल मैग्नीट्यूड पे रहना चाहिए, बिकॉज जो क्वांटिटी या जो फिजिकल स्केल किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से अलग करता है वो उसकी डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फॉर्मुलेशन किया तो हमें ये सहायता मिली कि हम जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के बजाय अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करें और इलेक्ट्रिक अगर हमें कहीं ज़रूरत है उसके बाद कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी आर्बिट्ररी बॉडी के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि कोई भी अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई इनफाइनाइट सीट है, चार्ज सीट है, इनफाइनाइट चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है आपके पास और आप ये चाहते हैं कि आप इसके कारण किसी पॉइंट पे यहाँ 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 कहीं भी इसके आसपास आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो आप क्या कीजिए, बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करने के आप क्या कीजिए, वेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ डील कीजिए. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ डील करने से हमारे पास बेनिफिट हमें ये होगा कि हम सीधे सीधे जो कैलकुलेशन है उस पर बिना डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए उसकी कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं. एंड वंस वी गेट द फॉर्मुलेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट ई इक्वल्स टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. हम इसको यूज करके ईजिली यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेकिन जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है और वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ डील करें और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें. और इस तरह आप किसी भी बॉडी के साथ कर सकते हैं. आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है जो इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, आप इसके कारण यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके लिए पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें और उसके बाद ये देखें कि आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप वापस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना. बेनिफिट ये रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कि हमें यहाँ डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा. अदरवाइज अगर इन्हीं सब बॉडीज के लिए, इन्हीं सब कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो इनफॉर्मली चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो वहाँ आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कैलकुलेशन करनी है तो उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हमारे पास
जुड़ के आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। तो ये जो टॉपिक आज हम करेंगे द स्केलर्स एंड वेक्टर पोटेंशियल, ये एम्फेसाइज करेगा हमारे ऊपर या हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर रहेगा, वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर रहेगा। और वेक्टर पोटेंशियल ये वर्ड आपने वैसे तो EMT में जरूर कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको ये पहले तो बात ये थोड़ा सा ना ये एक्चुअली द फुल वर्ड इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, द कंप्लीट वर्ड इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड इट इज डिफाइंड एज और डिनोटेड एज द वेक्टर ए इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके, और थोड़ा सा ये इस तरह का वर्ड हमें लगता है कि जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमने ये फॉर्मूलेशन हमेशा स्केलर की फॉर्म में रीड किया है, लेकिन अभी आप जब स्टडी करेंगे इस टॉपिक को तो आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल को स्टडी में लाए। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया उसका यहाँ दे भी सकता हूँ। तो उसका ब्रीफ आइडिया ये है कि देखिए एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूलेशन कहाँ से हमारे पास आया, पहले आप उसे देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूलेशन है वो ये था कि हम ये जानते थे कि जो कर्ल है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ओके, यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रहता है, इररोटेशनल रहता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इररोटेशनल नेचर का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी ये डाइवर्ज तो कर सकता है लेकिन रोटेट नहीं कर सकता, रोटेशनल कर्लिंग नहीं कर सकता, यानी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। और ये जो इक्वेशन है ये इनवाइट करती है हमें इंट्रोडक्शन के लिए टू अ स्केलर पोटेंशियल, एंड दिस स्केलर पोटेंशियल इज कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, एंड दैट्स व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इक्वेशन इज वाई बिकॉज कर्ल ऑफ ई जीरो है ना। हम इसको इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो दिस